आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस में। और आज हमारे बीच आए हैं श्योरसॉफ्ट टैक्स प्रोफेशनल के वर्चुअल सीएफओ सीए प्रभाकर गुप्ता जी। भैया आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर को बुलाया गया है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अभी भैया बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, अभी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो किस बात पे बनाया? जो हमारा इनकम टैक्स के अंदर अभी एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है, ठीक है ना, जो कि सेक्शन 139(1) में चेंजेज हुआ है कि भाई इन लोगों को भी अपनी आईटीआर फाइल करनी है। इस विषय पे चर्चा करेंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि भैया इससे किसे फायदा है, किसे नुकसान है, क्या ये प्रोविजन कहता है, ये लाया क्यों गया, क्या इसकी जरूरत थी और इस पे इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो भैया इसके बारे में थोड़ा सा हमें प्रकाश डालिए कि ये है क्या। नमस्कार कपिल जी, और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया। देखिए, जो अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत जो हम बात भी कर रहे हैं, जिसकी 139(1) के अंतर्गत, उसमें सरकार ने रिटर्न फाइलिंग के बारे में बताया है। जी, जो हम लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, तो नॉर्मली हम और आप सभी जानते हैं कि जब अगर हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोग अब ये कहेंगे सर लिमिट जब 5 लाख की है तो 2.5 लाख की बात क्यों होती है। बिल्कुल, तो सर लिमिट 2.5 लाख की ही है, ये बात अलग है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम होती है तो आपको 87A के अंदर इनकम टैक्स के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होता है। बिल्कुल जी, तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ उन्होंने कंडीशंस कह दी हैं कि यदि आप कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शंस करते हैं या आपने कुछ आपके अकाउंट में कुछ ऐसा कुछ काम होता है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम ही क्यों ना। बिल्कुल जी, तो बेसिकली इसके लिए पहले ऑलरेडी 3 कंडीशंस गवर्नमेंट ने दे रखी थी। मैं पहले उन कंडीशंस को बताता हूँ जो पुरानी कंडीशंस थी, उसके बाद हम इसकी बात कर लेंगे। लेकिन भैया इसमें मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, यहाँ पर ये जो नई कंडीशन डाली है तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये है कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 37 आई है या ये 21 अप्रैल 2022। बिल्कुल, तो पहले आप मुझे ये क्लियर कर दो कि भैया जो ये कंडीशन आई है, क्या ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न, मतलब की असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न पर एप्लीकेबल होगी या नहीं। देखिए, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नोटिफिकेशन आई है वो 21 अप्रैल को आई है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी रिटर्न्स फाइल होनी है, ठीक है, उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। तो यदि हम इसको लेकर चले तो 1 अप्रैल 2022 के बाद में रिटर्न कौन सी फाइल होने वाली है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है, असेसमेंट ईयर 22-23, तो मतलब ये इस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी, तो हमें इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। और इस साल हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा रिटर्न फाइल करते समय कि हम इन किसी क्राइटेरिया में तो फॉल नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले जो 3 कंडीशंस थी उसमें सबसे पहली कंडीशन ये थी कि यदि आपका करंट अकाउंट है, कोई बिजनेस पर्सन होगा उसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में यदि उसने 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट्स किए हैं, डिपॉजिट्स कैश की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह से बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू भी किए हो या कैश किए हो, चाहे NEFT है, RTGS है या चेक के थ्रू, तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, ठीक। दूसरी पहले कंडीशन पहले क्या थी कि यदि आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे किया है, इंडिविजुअल भी, ठीक है, मैं अपने घर का बिजली का बिल भी यदि मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे करता हूँ तो मुझे अपनी रिटर्न को फाइल करना होगा, ठीक है। और तीसरा था कि यदि मैं फॉरेन टूर पे जाता हूँ या मेरे परिवार का कोई मेंबर जाता है फॉरेन टूर पर, उस केस में भी मुझे अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी यदि मैंने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, ठीक है। अब इन्होंने इसके अंदर जिस नोटिफिकेशन के थ्रू जिसके आज हम बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने 4 नई कंडीशंस और जोड़ ली। पहली कंडीशन ये है कि यदि आप सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है, उसमें था करंट अकाउंट, इसके अंदर आता है आपका सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में यदि आप 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी, ठीक है, ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप कैश में करें या आप बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका ऐसा नहीं है कि एक बैंक अकाउंट में, सभी बैंक अकाउंट्स में यदि आपके 4, 5, 6 कितने भी बैंक अकाउंट है, क्योंकि आजकल पैन नंबर बेस्ड है, तो किसी भी बैंक अकाउंट में आप अगर जमा कराते हैं टोटल यदि आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने कहा है कि यदि आपका TDS 25,000 रुपए या उससे ज्यादा कटता है, आप कुछ ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसके कारण आपका TDS कटता है या आजकल परचेज पर भी सेल पर भी TDS कट रहा है, तो यदि आपका TDS कटता है और 25,000 रुपए से ज्यादा होता है साल में, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा।
एक बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए से कम यदि आप इनकम शो करते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन डाली प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके लिए कंडीशन ये है कि यदि उनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा आती है, रेवेन्यू अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब फोर्थ कंडीशन है कि यदि आपकी बिजनेस टर्नओवर यानी अदर देन प्रोफेशनल्स, अगर आपकी टर्नओवर आपकी 60 लाख रुपए से ज्यादा होती है साल भर में, तो आपको अपनी रिटर्न्स को फाइल करना मैंडेटरी होगा, इरेस्पेक्टिव कि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है। अभी अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर हम इसके डिटेल एनालिसिस करें, तो जो पिछले साल की 3 कंडीशन थी उसमें यह बोला गया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, तो कई बार कुछ लोग ना अपने अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी दिक्कत आ सकती है। या कई बार क्या होता है, हम अपने दोस्तों के टिकट बुक करते रहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उन्हें भी दिक्कत आ सकती है। तो भैया ऐसा बिल्कुल ना करें। और भैया ये जो 4 कंडीशन इन्होंने दी है ना, मेरा मानना ऐसा है कि ये लोग पहले भी अपनी ITR भरते थे, 90% लोग, 95% लोग ITR भरते थे। लेकिन जैसा कि बोकस बिलिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो बोकस बिलिंग वाले होते हैं वो अपनी ITR नहीं फाइल करते। एक तो शायद गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, या अगर मैं बात करूं जो सेविंग अकाउंट वाला पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे आपने बताया कि 50 लाख अगर आपने डिपॉजिट कर दिए, तो इसमें मुझे एक चीज ये बताइए, जैसे मान लो मेरी मदर का सेविंग अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, मान लो 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा कर देता हूँ, मैंने जमा कर दिए, मेरे ब्रदर ने कर दिए, सिस्टर ने कर दिए, तो क्या उन्हें भी ITR भरनी पड़ जाएगी, उन्होंने कैश डिपॉजिट नहीं करा। देखिए बैंक में यदि सेविंग बैंक के अंदर यदि डिपॉजिट हुआ है, हाँ, तो ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी 50 लाख से यदि आप ज्यादा डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, एक इसमें मुझे और क्लैरिफाई कीजिए, मैंने 20 लाख डाल दिए जी, फिर 20 लाख मैंने फिर वापस ले लिए जब मुझे जरूरत थी, फिर मैंने दोबारा 20 लाख डाल दिए, फिर मैंने 20 ले लिए, ऐसे करते करते उनके क्रेडिट साइड में 1 करोड़ रुपए आ गए और उनके डेबिट साइड में 90 लाख है जी। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं अकाउंटिंग की, तो 10 ही लाख रुपए है, तो क्या तब भी ITR भरनी जरूरी है? देखिए यहाँ पर जो बात है कि आपने डिपॉजिट कितना किया है, ठीक है, ये बात नहीं कह रहा है कि जी आपने उसमें से निकाला कितना है, वो ये नहीं कह रहे कि आपको क्लोजिंग बैलेंस आपको 50 लाख होना चाहिए, ठीक है। आपने डिपॉजिट, आपने तो 10-10 और 20-20 लाख की, आप 10-10 शहर में भी आप जमा करते हैं, ठीक है, आपने भी 50 लाख को क्रॉस कर दिया, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी हो जाएगा। चलिए भैया, ये तो आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बता दी है। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी मई की मैगजीन है। अरे सर हमें तो मिली नहीं। अरे भाई मई आया कब है? 1, 2, 4 तारीख तक ये मैगजीन आपको मिल जाएगी। और भैया हमने क्या करा ना, इसमें ना इसका डिटेल एनालिसिस दिया है, और हमने क्या करा है, इस मैगजीन को तैयार कर दिया है भैया, पूरी 30 पन्नों की मैगजीन तैयार हो गई है। तो सर अभी दे दो? अभी नहीं देंगे भाई, पहले 30 अप्रैल तक का इंतजार करेंगे कि भाई 30 अप्रैल तक कोई और नोटिफिकेशन तो नहीं आने वाली। अदरवाइज भैया पूरा अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे, इस बार हमने बहुत अच्छे से इस मैगजीन को तैयार करा है। तो अगर आपने अभी तक इस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप हमारी इस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, जिससे कि आपको सारी डिटेल टाइम टू टाइम मिलती रहे। भैया इसके अंदर और आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि कंडीशंस के ऊपर मत जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, या अगर नहीं भी बन रही है, तो रिटर्न्स फाइल करना वहीं पे भी गलत नहीं है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल कीजिए, अननेसेसरी कोई नोटिस आपके पास में आए उससे बेटर है कि आप उससे पहले अपनी रिटर्न्स को फाइल करें। लेकिन भैया इसमें एक पॉइंट मैं और वो ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ना अभी ITR फाइल कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ रुक जाओ थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि अभी आपकी TDS की रिटर्न नहीं गई सामने वाले की, तो कम से कम जो आप अपना ITR का काम करें ना, वो 31 मई के बाद करें, जिससे कि सबकी TDS की रिटर्न आ जाए, कोई TDS वगैरह कटना हो, होना हो, तो वो चीजें उसमें आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अभी जल्दीबाजी में करोगे तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, अपनी तैयारी जरूर कर ले, अपने पेपर्स वगैरह इकट्ठे करके रख ले, लेकिन सबमिट 31 मई के बाद करें। आपको जून और जुलाई 2 महीने मिलते हैं, तो 2 महीने मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है। कपिल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपको इस बात को और भी ध्यान देना होगा कि नॉट ओनली 26 AS में, क्योंकि अभी आप करते हैं तो रिटर्न अभी नहीं गई है, 31 मई तक TDS रिटर्न जाएगी, बिल्कुल। अगर आपको 26 AS से मैच नहीं करेगा, तो उस केस में आपको नोटिस 100% आ जाएगा कि जी आपने ज्यादा TDS क्लेम किया है या कम TDS क्लेम किया है, बिल्कुल, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अभी तो मैं चाहता हूँ कि अभी तो आप तैयारी करते रहे, अपने बिजनेस की ना ब्रांडिंग करते रहे, बिल्कुल, और अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करने के लिए आप लोगों को पता है हमने टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ, सियोरसॉफ्ट प्रोफेशनल के साथ एक टाई अप करा है,
ठीक है ना, उसमें टाई अप में क्या है, आप लोगों को हम फ्लायर्स बनाकर देते हैं आपके बिजनेस ब्रांड के लिए। तो अगर आप भी ऐसे फ्लायर्स बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, लोगों को विशेष करना चाहते हैं, लोगों को ड्यू डेट्स के बारे में बताना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप हमारी ये वाली नई सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट जो दिए गए इस पर बात कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर है सब पर इस वीडियो को व्हाट्सअप कर दीजिए। भैया इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बहुत आपने अच्छा बताया है। और यदि कोई और क्वेरी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप कमेंट कीजिए, सो डेट कि हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब दें। और आपकी कोई भी क्वेरी आती है कमेंट्स के थ्रू हम आपको रिप्लाई पूरी तरह से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।